बाबूला जी आप बताइए आपकी संपत्ति कितनी है, आप नहीं बताएंगे तो हम बताएंगे आपको कि आपकी संपत्ति। देखिए माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने श्री श्री 108 संपत्ति के मालिक सोरेन परिवार से कल कुछ प्रश्न किए थे और ये जानना चाहता कि पिछले 10-15 वर्षों में इन्होंने 108 संपत्तियां देश के कोने कोने में कहां से अर्जित की और इसका क्या स्रोत था। इसके जवाब में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा उनसे दूसरे प्रश्न कर रही है। बाबूलाल जी हर एक प्रश्न का जवाब देंगे लेकिन पहला जवाब तो माननीय मुख्यमंत्री को देना बनता है कि आखिर जो 108 संपत्ति उनके परिवार ने पूरे देश दुनिया में खरीदी है उसका आय का स्रोत कौन सा था और क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के नेमरा गांव में कोई नोट छापने की मशीन लगी हुई है जिससे ये सारी संपत्ति खरीदी जा रही है, और अगर ऐसा है तो आम आदिवासियों को भी इस मशीन के ऑपरेट करने की तकनीक से अवगत कराना चाहिए क्योंकि हमारी जानकारी में किसी दूसरे आदिवासी परिवार ने 108 की तो बात छोड़ दीजिए पिछले 20-30 वर्षों में 54 संपत्ति भी नहीं खरीदी होगी। और मुख्यमंत्री जी को याद रखना चाहिए कि जनता ने उन्हें वोट दिया है, लूट की छूट का लाइसेंस नहीं दिया है। तो इस तरीके से जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं वो अब एक नया एजेंडा और एक नया नैरेटिव रचने की कोशिश कर रहे हैं, तो साफ है कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।